माता ये कहती कि बेटे मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, उसी समय घर से निकलने की सोचता है कि माँ यू मत सोचिए कि तेरा बेटा छोटा है, उम्र छोटी है, लेकिन कहता हूँ मेरे साथ में मेरे दो साथी भी और राजगुरु सुखदेव वो भी साथ आएंगे। बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पढ़ाई होगी क्या कहा किसी ने। नाम से
ही शोर पर जमान समान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ये गौ माता की सेवा करियो भारत के अंदर नारी, चारू वेद बधाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। गौ माता की सेवा उत्तम बधाई, भाई का तह दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। भगत सिंह की माँ भगत सिंह को यह कहती कि बेटे इस देश को आजाद तो कराना पड़ेगा, लेकिन हिसाब करिए जब उनके सहमिदार दोनों ग्रह दीवा पड़ेगा, ऐसा काम करिए किसा ये लाठी बिना टूटकर बास में बिना फूटे। क्या समझाती है अक्षर में, क्या कहा कभी उधर। राजा नल मन में विचार करता है क्यों नहीं तीतरों को पकड़ा जाए, एक नारायणी दमयंती खा लेगी, एक नल पर खा लिए, तीन दिन फेरता है दिन। अपने तन को एक दोहती बची हुई, उस दोहती को खोल कर उन तीतरों पर लगा देता है। मेरी रागनी की बात में मेरे लिए आदरणीय बिलु शर्मा जी तैयार है, उस दोहती को उन चित्रों पर दबा देते हैं। मारूपी चित्र उस दोहती को लेकर आकाश में उड़ान भर जाते हैं। राधानंद मगन अवस्था में एक पेड़ की आग में खड़ा हो जाता है। काफी देर हुई, रानी दमयंती हिसाब लगाती कि राधानंद कोई मुसीबत में, आवाज लगाती है महाराज ये पतिदेव कहाँ हो। जब रानी दमयंती की आवाज सुनी कि रानी मैं यहाँ खड़ा हुई कि महाराज बाहर आइए, कि बाहर आने के लायक नहीं, क्यों क्योंकि मेरे तन को वस्त्र नहीं। हे महाराज राज तक हुआ था तो दिव्य कोई ये क्या के बहुत प्यास में सोकर देर तक कया घेर का पंग में, तू सब जाने से दो कुछ पीती तेरे पति के संग में। रानी इस जंगल में तेरा रहना ठीक नहीं, मैं तेरे को ये कहता हूँ कि अपने पीहर सलीजा ही महाराज इस अवस्था में छोड़ के कहाँ जाऊं, ये सीधा रास्ता है। कहाँ ये श्री लक्ष्मी चंद का सुन रानी कित के तेरी निगाह है, पर्वत नदी पोषणी तर सारी दुनिया नाश है, आगे सीन चाल थोड़ा कौशल देश का राज है।
एक रास्ता चंदेरी नहीं कुंदनपुर में जा सकते, ये बताते आज भी कायम है वो रास्ता। इतनी कहकर पसर गया नल मूर्ति आ रहे ढंग में, तो सब जाने से जो कुछ भी की तेरे पति के संग में, ये महाराज जो कुछ बड़ी बात है बड़ी, चलो उसी कुटिया में चलते हैं। एक साड़ी के अंदर अपने गांठ को दोनों ने ढक लिया, उसी कुटिया के अंदर आ जाते हैं। आज ही रात का समय हो जाता है, राजा नल विचार करता रहा रानी दमयंती की आंखें लग जाती है, आधी साड़ी काट के वहां से चले जाते हैं। सुबह रानी दमयंती की आंखें खुली, उन पैरों को निहारती हुई वहां से चलती है कि दुर्लभ गया राजा नल में, इस कोहल जंगल में तेरे को छोड़ के चला गया। देखिए रानी दमयंती विचार करती हुई इन पैरों को निहारती हुई वहां से चलती है। कैसे क्या दर्शाए कागरी के द्वारा, yeah।
सुर्ख भी समान समान करती बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद मेरे बहुत ही आदर मान सम्मान के होंगे मेरे बड़े भाई वीरेंद्र खोजी सुई गांव से सौ रुपये से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद करते मेरे लिए बहुत ही आदरणीय दर्शन भक्त मुदगल जी मकुरपुर गांव से सौ रुपये से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद जो पार्षद है निशा मान वेदपाल मान के उनके पिए बीपी गोरिया 200 रुपये से मान सम्मान धन्यवाद इनके नाम की भी जोरदार तालियां बजा दो तुमको हाला मार जोड़ा नाम बताया छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए ना सोच बना और ये भी बोली आज करने पे नागरिक की डाल वो ऐसा सूट पठा वो रेल के इंतजार में टिकट खिड़की में टिकट लेकर लाइन में लाग रही आ गई खड़ा उसने पीछे एक बाबा जी उसने पीछे और खड़ा एक जना लंबी लाइन लाग रही उसको पीछे और भी लाग रही लेकिन दो नंबर पर बाबा जी खड़ा उसने हाथ करा आप वही करेगी दू टिकट बोले एक हरिद्वार की दे दे सीधा हरिद्वार का नाम ले दे बाबा जी ने पैर छोड़ा राम दादे इतना पवित्र स्थान शरीर नहीं लगा सकता शरीर हरिद्वार लगा कर कि वो दूसरा का भी नंबर आना था हा भाई तो मैं करेगी दू टिकट एक बार बाबा जी का देख ले एक बार टिकट मास्टर का देख ले टिकट वाला ने बोला रहा टिकट ले ले तो कोई बोला मैंने टिकट दे दे भाई तू श्री मुजफ्फरनगर की बाबा जी ने फिर छुट गया मैं आराम जादे कोई पवित्र स्थान है अरे भी श्री लगा के बैठ जा तीसरा सोचा तब नहीं की तेरी पड़ेगी तो श्री लाया वो भी पिटेगा ना लाता है तो पिटेगा धरना काम से हमारा इलाज सब गड़बड़ना सारे सोचते बाबा जी मारेगा तीसरे का नंबर आ गया हाँ भाई टिकट करे की लेगा एक बार बाबा जी का नहीं देख ले एक बार उसका नहीं देख ले बोला टिकट ले भाई घनी लंबी लाइन लग रही है ने बोला भाई मन्नत चढ़े की दे दे बाबा जी जरा जाओ रे वो था यो भाई साहब आनी तमियन की चलती रही पैरों को निहारती हुई क्या विचार करती है क्या कहा दोनों में पड़ी Thank you.
बात भी मन में गुजरी जाती है, मन में विचार करती करते हुई क्या कहा तीसरे नंबर पर। Hey!
100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। विकास सर्विस स्टेशन भाई 500 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। इतना मान सम्मान किया, इतने प्रेम के साथ ये गाना बजाना सुना, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते धन्यवाद। आगामी प्रोग्राम के लिए मेरे लिए आदरणीय मेरे चाचा बीरू शर्मा जी आपके बीच में विराजमान है, वो अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते धन्यवाद धन्यवाद।
सीधा दिल्ली था ना। अच्छा तो का सारे में तेरे फोटो डालने टोटल सारे एडिट में सारे लगवा दो। जहाँ तक
ਦੇ ਪਤਾ ਆਡੀਓ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ आपके सामने बहुत ही आदर मान सम्मान के योग पहुंच चुके हैं, बार बार उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस कमेटी की तरफ से और इस काम की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। और ये भारत के सच्चे शहीदों की बहुत ही आदर मान सम्मान के योग बुजुर्गो, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी मां दर्शन की जहां तक मेरी आवाज आती है, सभी को सबसे पहले मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है। आज का ये बहुत खुशी का दिन, इन शहीदों की याद में जरूरी है कई एक पार्टियों को यहाँ बुलाना, ये प्रोग्राम है, बारी बारी से आपका मनोरंजन करते रहेंगे। जैसा कुछ गाना बजाना आप लोगों ने, बुजुर्गों ने, भाई नमस्कार है, कहा है, सबसे पहले एक भजन और दो दो रागियों का नंबर है। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, उस भगवान का। और जैसे आप सभी जानते हैं, इस हमारे हिंदू धर्म के पड़ता है सबसे पूजनीय योग, हमारे इस हिंदू धर्म में एक गौ माता को दर्जा दिया है। माताएं चार होती है, एक चंडी माता, एक भारत माता, एक धरती माता और एक गौ माता। महेंद्र भाई हिलवाई प्रजापत साहब 100 रुपये से पार्टी को मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है बुजुर्गो। राजा लक्ष्मीचंद ने, जो हमारे भारत के सूर्य कवि वे हैं, उन्होंने परम ज्ञान से गौ माता की भेंट, गौ माता की स्तुति लिखी है। एक लंगड़ी गौ थी जो वर्ध हो चुकी थी, भगवान के करने उस वर्ध उम्र में वो नए दूध हुई, एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा पलता है, जब 2-3 महीने की आयु में हुआ, एक दिन कहता है कि माँ मेरे कितने बहन और भाई हैं, सब जंगल में हरी हरी घास चरने के लिए जाते हैं, फिर तू क्यों नहीं जाती। गौ माता कहती है, भाई बेटे मैं पैर से अपाज हूँ, लंगड़ी हूँ, उम्र में वर्ध हूँ, अगर वो जंगल का राजा शेर वहां आ गया तब लोग सब भाग जाओगे, वो मन खा लेगा। बछड़ा जिद कर लेता है, हट पकड़ जाता है, राज है, घोड़ा है, तोरमाल है, 4 हट लोगों बहुत तगड़ी बताई है पड़ गए। अपने बछड़े की, उस बच्चे की बात मानती हुई वे गौ माता लंगड़ी गौ परिवार के साथ चल गई थी। जंगल के मच्छर ने चल ली गौ माता की लाल, 5-7-10 बछड़े बछड़ी वही कैया का परिवार। बहुत गहरे जंगल व्यवान में पहुंच जाते हैं, चढ़ते चढ़ते शाम हुई और जंगल का राजा शेर आकर दहाड़ता है, धड़ूक मारता है, आर्टिकल गिर दे पछड़े और पछड़ी सब भाग जाते हैं। गौ माता खड़ी हो जाती है और शेर से हाथ जोड़ती है, भाई रे मैं जानती हूँ तेरे को भूख लगी है, लेकिन तेरी भूख और मेरी भूख क्या बताती है उसको, कैसे क्या बताती है, क्या कहती है। मौत भूख का है पिता
1100 रुपए से इस पार्थिव को अपने बच्चों को अपने भाई को मान सम्मान हौसला बधाई करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। पहले नंबर पे वो ममता क्या समझाती है, क्या कहा, ओ
से मान सम्मान हो गया। बधाई करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। और नंबर तीन पर पहुंच गया है। एक लड़की का जिक्र किया जिसका साल की उम्र में बादशाह पाछी छोटे लेकर के गहरे जंगल व्यवहार में पहुंच जाता। काफी दिन हो गए मन में विचार फल देता है आगे सत्कार और पीछे पीछे में सौ बूढ़ा वर तो सांड हो चुका था जो छोटा बादशाह जाके गुरु जी को नमस्कार की गंडोज किया प्रणाम किया निकलना क्या कौन वही ठाकुर आपका शिष्य सत्कार। अरे कौन सत्कार आवाज लगाता है उस बताता है तेरे ऋषि करके देख मैंने मेरे को एक गौ दी थी मैंने इसके साथ दिया था किसी को ज्ञान होता है कि सत्ता के लगा प्रथमता है कैसे Bye.
छोटे बच्चे यस सौर विशेषमान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। ये मेरे बड़े भाई, मेरे गुरुद्वारे से जाटी निवासी सतीश लंबरदार सौर विशेषमान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। ये हमारे शिष्य दीपक कुरप सोनू सौर विशेषमान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। एक है भाई ये हमारे बहुत ही आदर के योग धर्मवीर लंबरदार मान साहब सौर विशेषमान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। कहीं भी चले जाओ मंदिर तो एक दो हमेशा मिले जरूर। अरे भाई सत्यवान भारत दोस्त जरूर मिले आप गांव में। सौर विशेषमान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। गारंटी के साथ चल जब बुलाओ हेलो 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 इकतीस तारीख का हाँ है राजस्थान में रहता हूँ। अच्छा माँ बनाया इकतीस करो साहब ऐसा है इकतीस का नहीं भाई भाइयों की हाँ हेलो हेलो और आपका क्या नंबर है अगली बार रिकॉर्डिंग कराओ हम बीच का क्या हो कई भाइयों की फरमान से शेठ ताराचंद से दो बात ताराचंद शेठ ताराचंद के किस्से से जिस समय बहुत ही पुराना किस्सा और दान के प्रति पंडियों ने ये सांग बना था जिससे हमारे समाज में कोई दान करना कोई ना छोड़े और दान करते ही रहे। जिस समय वो लड़का चंद्रगुप्त मालकी को टापू के अंदर छोड़ के मनसा सेठ की हाजिरी देता है जाके कहा पिताजी को नमस्कार है पर रुई के नफे की मुझे बात लाला जी पर संगलदीप जजीरे में किस वाकी में गिरी से पिताजी रुई में तो दुगने दाम रहे आरती आगे थे नए नए गए थे 15-16 जहाज रुई के एक साथ लाला जी अच्छी भिंडी पूरी भरी एक भावे नकली से जाइए बेटा अपनी माँ को और अपनी भाभियों को दर्शन दे। माँ के पास गया नमस्कार की माँ ने कहा बेटा जो मन मंगा था ले आके हम हाँ और 9 करोड़ी लाल निकाल के दे देता है। उसने कहा बेटा जाइए तेरी भाव कई रोज से तेरे बिना दुखी है परेशान है भाभियों के पास ले गया उन्हें कहा देवर साहब नमस्कार आ गया कि आ गया जो हमने मंगा था ले आज वो सच्चे मोती का झूला मांगा और कार के दिया नुक्कड़ लगी तू तो ब्याह करवा रहा बड़ा दुखी है रोने लग जाता है या शादी का जकर चला जब लाड पड़े में घो के तो जान पटर के डर का मारे और निकल बढ़ गया रो कोई ना बजाए मेरा अपना देगा उधर फेसबुक पर डाल दी चलेगी यहाँ की बात यहाँ खत्म होती है धर्मवाल की यहाँ खुलती है सूती उठ के देख लगी हुर सेठ की जाई ना जहाज दीपता ना साजन दिए दिखाई अजमा मचा जाता है बलात करती है रोती है रुधन मचाती है ना ही तो जहाज और ना ही पति मन में विचार करती है कुछ औरतों के कपड़े होते हैं उस चापू के अंदर से लकड़ी डिंगरी इकट्ठी करके साधु का भेष बना के धुना ला कर देता उसी सरों में दहेज के और सौदागर आके जहाज को रोकते हैं एक उनमें घूमने फिरने की दिशा में गया क्या देखता है बहुत सुंदर साधु थोड़ी उम्र का साधु देख करके हैरान हुआ वापस अपने भाइयों के पास पहुंचे नमला भाई एक चीज देखी कि बहुत सुंदर साधु थोड़ी उम्र मोटी मोटी आंख कटीली एक टापू के माँ एक लाभ भाई बाबा सभी सेठ इकट्ठे होकर जाते हैं
एक बात कह रहे बाबा अमृत रस पूछ ले, अरे चप्पू में ठीक चाल भरी गल उठ ले, अरे को चोर टपका लूट ले भाई भारी डाके का टप्पू के माए कलाबा बाजी सा लखवी चंद के जीत के चले हम लोग का संग। इस बाबा जी ने से दिया इसे साधु का सत्संग, भाई उस बाबा जी का रंग हम जड़ छेल बाके का, अरे टप्पू के माए कलाबा बाजी सा। प्रार्थना करते हैं हे साधु जी, हे बाबा जी हमारे साथ रहे लिखा धर्म माल की पक्के कर लेती है, भाई मेरा इंतजाम कौन करेगा, सभी से ठान लेते हैं बाबा जी, कोई तरह योग करूंगा सब कई दिन हो गए प्रोग्राम में सेठों के साथ बैठ लेती है, कैसे क्या पढ़ते हो क्या बना है क्या कहा फोन भी गाड़ी में पड़ा बड़े वाला डाउन हो गया था बड़ा सबसे ठाके बहुत ही आदर के योग मदनलाल मलिक साहब परोप जैसी सेंटर के मालिक सोर्ग से मान सम्मान करते धन्यवाद। ये भाई मुकेश बहुत दिन पहले 50 रुपये से और मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है धन्यवाद। चल गया फिर चोर
से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही अजीज मेरे भाई बड़े मित्र साहब कपूर साहब 200 रुपए पहले 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद। आवाज लगाती है चलती मारती है। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय बुजुर्ग हमारे मान सम्मान के योग शालेंद्र सोलंकी साहब 100 रुपए से इस पार्टी का अपने बच्चे का हौसला अफजाई करते हैं। धन्यवाद। जगदीश जी आवाज लगाती है हे महाराज अगर हंसी ठल्ला मखौल मजाक जो करता हो तो पिया जब मौका से क्या बताते करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद। आखिर में बाबा बताती है कदे नु सोचता हो मैं अपने आप आई थी तेरे साथ नहीं मैं अपने आप नहीं आई को मैं किसे ने गाली थी किसका नाम लेती है वो दादा का नाम लेती है किसका बुजुर्ग बहुत ही आदरणीय आदर के योग
नाम नहीं बता सोर तुझे मान समान हौसला बधाई अपने बच्चों का भाई का करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। बहुत आदर के ओ गनील मान साहब महामंत्री साहब सौर कृषि मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। भवन सिंह आदर के ओ भाई सौर कृषि मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। बहुत ही आदर के योग रोहतासी जो मैंने बताया था नाम नहीं, बहुत कलाकारों को सभी को मान सम्मान किया, हमारे को भी सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। सजना बता जाता है कि जमुना जी पे जहां राजघाट बोलते हैं एक आधा कलाकार तो नुब कह दे है राजघाट को आकर धुनी लाई दे, राजघाट का बहुत बात हो गया, उस समय की बात नहीं है पंडितों के आगे नहीं राजघाट, जमुना जी को आग में धुनी और लाई दिल्ली में, उधर ताराचंद सेठ लाकड़ी बेच कर गुजारा किया करते थे, 5 रुपए की लाकड़ी बेचा करते, 2.5 रुपए में अपना घर का काम, 2.5 रुपए में गौ ब्राह्मण साधुओं का भोजन किया करते थे। बताया जाता है ताराचंद को एक खबर लगी कि जमुना जी पे कोई नया साधु आया, जमुना जी पे एक साधु आया वो सेवा में चल दिए खुद ताराचंद से, ज्ञान हो कथा पुरानी सुन के न तने रोए जा सर ढूंढ के, अरे कदे ओ साधु पढ़ के बाल ना उसने अलग जगाया, एक लोटे में मांगी थी उसने भूमि की भेंट, जमुना जी पे एक साधु आया उस सेवा में चल दिए खुद ताराचंद। मानसिंह गुरु करो आनंद काट दो दुख विपदा के फन, श्री लक्ष्मी चंद कहे मेरे गुरु ने बता वे हरि हर देवी एक दिन दुख में मेट, सेवा में चल दिए खुद ताराचंद। यहाँ ग्रहपाल की बेटी थी जाकर नमस्कार करते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं, हे बाबा जी ये भोजन ली, खड़ी हो जाती है ग्रहपाल की साधु के बीच, कहती है कौन अब ये भोजन ग्रहण करो बाबा जी, पहले अपना काम नाम बता, कौन काम सुन नाम आप हो कौन वरण के, नाम काम और पता निशान आप अपना बताओ जब हम आपका भोजन कर सकते, हे साधु जी मेरे को जगत से ताराचंद कहा करते थे, आप मैं कौन हूं क्या हूं वो मैं आपको बताता हूं, क्या बताता है ताराचंद क्या करते हैं, ताराचंद
साहब बहुत ही नाम पहले सौरभ से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। धन्यवाद। नंबर दो पे तारा चंद्र होता है साधु के सामने अपनी क्या था बताता है और कैसे क्या कहता है बाबा आज तो मैं एक चोट को खेल बैठा कौन सी चोट क्या कहा मेरे लिए बहुत ही आदरणीय इंद्र सिंह लंबदार जी सौरभ से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद। Yeah.